हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस के एग्ज़ाम में, जो कि 22 दिसंबर 2018 को हुआ है। इस एग्ज़ाम में पूछे गए इंग्लिश के और हिंदी के क्वेश्चंस। ये इंग्लिश के जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के क्वेश्चंस, और जो कंसर्न सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, वे सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये पेपर है मॉर्निंग शिफ्ट का, और ये आपका एग्ज़ाम हुआ है पीआरटी का, यानी केवीएस पीआरटी का जो एग्जाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन इंग्लिश के हैं। सबसे पहले आपको जो है फैक्ट, इसका अपोजिट वर्ड बताना है, तो इसमें आपका आंसर आएगा फिक्शन। फर्स्ट इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको फिल करनी है। दी हेडमास्टर वांट्स टू स्पीक टू यू, तो इसमें आपका फोर्थ करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, तो इसमें फर्स्ट आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट इसमें आपको करेक्ट इडियम एंड फ्रेजेज चूज करनी है। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो इसमें आपका आंसर आएगा इरेगुलरली, फर्स्ट इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिज परफॉर्मेंस इन द ऑफिस इज क्वाइट सुपरफिशियल, तो इसमें आपको इसका चूज वन वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस, यानी इसका मतलब बताना है, तो इसमें आपका आंसर आएगा शेल्लो, तो सेकंड इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको चूज द वन विच हैज द एरर, जिसमें एरर है वो बताना है। इट इज हाई टाइम दैट वी सेंड, तो इसमें आपका सेकंड पार्ट में एरर है, तो सेकंड इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको जो अंडरलाइन पार्ट है आपको इंप्रूवमेंट बतानी है इसमें। आई शैल हैव मच प्लेजर इन एक्सेप्टिंग योर काइंड इन्विटेशन टू डिनर, तो इसमें आपका आंसर आएगा आई हैव मच प्लेजर, तो फोर्थ इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो सूनर डिड द पुलिस अराइव्ड देन द रोबर्स मेड द गुड देयर एस्केप, तो इसमें आपका आंसर आएगा नो सूनर डिड द पुलिस अराइव, तो सेकंड इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ऑर्थोडॉक्स, इसमें आपको जो है इसका करेक्ट आंसर बताना है, तो इसमें आपका आंसर आएगा वन हु होल्ड्स एस्टेब्लिश्ड ओपिनियंस, तो सेकंड थर्ड इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा स्टेटमेंट दैट इज एब्सोल्युटली क्लियर, तो थर्ड इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं, ये आपके जो जनरल हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वे क्वेश्चन आते हैं। इसमें निम्नलिखित में से सही वर्तनी यानी जो सही स्पेलिंग वाला शब्द है उसका आपको चुनाव करना है। तो ये आपका जो है उज्जवल शब्द दिया हुआ है, तो जो आपका पहला ऑप्शन है ये वाला उज्जवल आपका करेक्ट स्पेलिंग वाला है, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आएगा। नेक्स्ट है जल्दी चलो, इसमें आपको जो है बताना है रेखांकित अंश का कौन सा विशेषण है, यानी जल्दी कौन सा विशेषण है, तो ये क्रिया विशेषण है, तो फोर्थ इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है परिक्रमा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें आपका आंसर आएगा फोर्थ परी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इसमें आपका अशुद्ध वाक्य आएगा बैठक का समय 4:10 होगा, तो सेकंड इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्याय नहीं है, तो इसमें आपका आंसर आएगा नब, तो थर्ड इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। सुख चैन में कौन सा समास है, तो आपका जिसमें इस प्रकार का साइन होता है तो वो समास होता है द्वंद समास, तो फोर्थ इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है छाती पर सांप लौटना, इस मुहावरे का सही अर्थ कौन सा होगा, तो इस मुहावरे का सही अर्थ होगा ईर्ष्या करना, तो फोर्थ इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है सिंह वन में रहता है, इसमें रेखांकित में कारक कौन सा है, तो इसमें कारक है अधिकरण कारक, तो फोर्थ इसमें आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विद्वान का स्त्रीलिंग कौन सा शब्द होगा, तो विद्वान का स्त्रीलिंग होगा विदुषी, तो सेकंड इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है शाखा का बहुवचन, शाखा का बहुवचन होता है शाखाएं, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आप कोई बात करें तो ये आपके पूछे गए थे सब्जेक्ट कंसर्न यानी संबंधित विषय में, ये आपका पार्ट टू में पूछे गए थे क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है, आपका वाक्य है लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं, तो इसमें आपका आंसर आएगा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिखाए गए हैं, तो ये आपका आंसर आएगा
भारतीय, आग्नेय द्रविड़ और तिब्बत धर्मी। तो फोर्थ इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा समास है? तो इसमें समास है बहु बिरवी। तो थर्ड इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है, संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है तत्सम, यानी जो ऐसे कैसे संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं? तो आपका प्रति तो इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और ता इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तो सेकंड इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, दवाई का बहुवचन क्या आएगा? ये आपको चारों दवाइयां ही दी, जैसे इसमें बड़ी की मात्रा दी हुई है, इसमें छोटी ही दी हुई है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा सेकंड, दवाइयां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी डैश देते हैं। तो इसमें आपका आंसर आएगा जान लगा देते हैं, यानी जान लगाना। तो थर्ड इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियां किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई है? तो पहला सुंदरता, तो सुंदरता में आपका आएगा संज्ञा। नेक्स्ट है अपनाया, अपनाया में आएगा ये आपकी क्रिया आएगी। नेक्स्ट है आप में आएगा सर्वनाम, और नेक्स्ट है उषण, ये आपका विशेषण में आएगा। तो फोर्थ इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट है, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप कौन सा होगा? तो श्रीमान का आएगा श्रीमती, ये आपको स्पेलिंग देखनी है क्योंकि आपके श्रीमती अलग अलग तरह से लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो यह माना जाता है अमीर खुसरो को। तो सेकंड इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट आपकी ये कंसर्न सब्जेक्ट के इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। शी क्रॉल्ड फॉरवर्ड इंच बाय इंच, तो इसमें आपका आंसर आएगा स्लोली एंड केयरफुली। तो फोर्थ इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट है, हु कैन से हु विल टर्न अप नेक्स्ट, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आएगा अराइव। तो थर्ड इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव नोन राम एंड श्याम फॉर मेनी इयर्स। नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन इन विच ईच वर्ड इन द फॉलोइंग टेबल हैज बीन करेक्टली मैच्ड विद इट्स रिस्पेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच। तो इसमें आपका आंसर आएगा फोमी, फ्लक्स, बट, कैन, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपका आंसर आएगा ये फोमी एडजेक्टिव, फ्लक्स नाउन, बट कंजक्शन और कैन वर्ब। तो सेकंड इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन विच वर्ड इज सिमिलर इन द मीनिंग टू द वन गिवन बिलो। तो इसमें आपका आंसर आएगा फॉर्म। तो फर्स्ट इसमें आपका फ्रॉथ का सिमिलर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज माई पेन? राम, इसमें आपका आंसर आएगा लॉस्ट इट यस्टरडे। तो सेकंड इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है, आपको करेक्ट वर्ब बतानी थी। नेक्स्ट है, ही रूल्स ओवर ए वास्ट एम्पायर। नेक्स्ट है, आई वॉज ऑफर्ड ए चेयर, इसमें आपको बताना है कौन सा सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस वो होता है जिसमें आपकी कमांड दी जाती है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन मार्क होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो इसमें आपका जो है मोस्ट प्रोबेबली पैसिव सेंटेंस हो सकता है। तो सेकंड इसमें आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीता हैज गॉट ए नाइस स्माइल। तो फर्स्ट इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द वन गिवन बिलो। तो आपको बताना है पॉपुलर का जो है अपोजिट मीनिंग, अपोजिट मीनिंग इसमें आपका आएगा, चार ऑप्शन दिए हुए आपके, रा, रिलीवेंट, नोटोरियस और प्रोमोटेड। तो इसमें आपका नियरली सबसे करेक्ट आंसर बनता है नोटोरियस। तो सेकंड इसमें आपका आंसर आएगा। और साथ ही जो आपके कंसर्न सब्जेक्ट के बाकी क्वेश्चन है उनकी वीडियो आ चुकी है, इसलिए आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। और आपके जो रीजनिंग के, कंप्यूटर के क्वेश्चंस और जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो भी आप स्टडी जोन चैनल पर देख सकते हैं। और साथ ही आप स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अब आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर दिया हुआ है, आप इससे जुड़ सकते हैं और लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी पा सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।